हिमाचल। हिमाचल की राजधानी शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, जहां दिन की शुरुआत पक्षियों की चहचहाट और मौसम के बदलते सुहाने रुख से होती है। शिमला में बसा संजौली नामक उपनगर, जिसे शिमला का दिल भी कहा जाता है, ये कहानी है उसी उपनगर में बसे और घर घर जाकर कूड़ा उठाने वाले कई लोगों की, जो रोज सुबह किरणों से पहले उठकर हम जैसे लोगों के घर से कचरा इकट्ठा करते हैं। स्लम आमतौर पर एक भीड़भाड़ वाला और गरीब शहरी क्षेत्र है, जिसमें घटिया आवास और बुनियादी सुविधाएं तक सीमित पहुंच होती है। ये हाशिए पर रहने वाले समुदाय अक्सर तेजी से शहरीकरण, गरीब और सामाजिक असमानता जैसे कारकों के कारण शहरों में उभरते हैं। क्या आप जानते हैं यह कचरा जो हम अपनी दहलीज से पार कर रहे हैं, इसके आगे का सफर क्या है? और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस कचरे को इकट्ठे करने वाला व्यक्ति अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता है। आपका नाम क्या है? चंचल। चंचल, तो आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ के प्रधान हो आप? अच्छा, तो यहाँ पे कितनी फैमिलीज है? 400 के करीब फैमिली। 400 के करीब फैमिली, मतलब जो जितने भी फैमिली है बाहर से आके यहाँ पे सेटल हो जाए? नहीं, पहले से, पहले से मतलब खानदान यहाँ पे। और आप भी यहाँ पे ऐसे ही पुराने? आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? आप तो फिर भी चलो देखो करते होंगे, कई तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल अकेले हैं, जैसे उन लोगों को तो कोई तो बिल्कुल ही बेरोजगार है। बेरोजगार है, हाँ, बहुत बेरोजगार। दिहाड़ी मजदूरी भी करने लायक नहीं है, सोचते कि कहीं घर के बैठक काम मिल जाए, वो नहीं सोचते। घर वाला कबाड़ का काम करता है, कबाड़ पूरी चक के तब घर का पूरा करते हैं, खाना खर्चा घर की रोटी पानी इधर चलता है। बच्चों को स्कूल में डाला सरकारी में, तो उसका स्कूल में जाते तो पढ़ते ही। नेल्सन मंडेला द्वारा कहा गया है, शिक्षा व्यक्तिगत विकास का महान इंजन है। शिक्षा के माध्यम से ही किसान की बेटी डॉक्टर बन सकती है, खदान के मजदूर का बेटा खदान का मुखिया बन सकता है, खेत के मजदूर का एक बच्चा महान राष्ट्र का राष्ट्रपति बन सकता है। तो हो जाता है गुजारा, तो क्या करना, जाते फेरी में तो शाम का गुजारा हो जाता है। बिजली का बिल, गैस कभी भरवाते, कभी आग पे खाना खुना बना लेते, नहीं रहते थे यहाँ पर। ऐसे 3 दिन पैसे इकट्ठा करके 10-20 रुपए मैंने कुछ मैंने अपना इकट्ठा किया, कुछ घर वाले से किया करवाया इकट्ठा, कुछ लोगों से उधार चक्का, तब करके मैंने फिर वहाँ पर मैंने अपना कमरा तैयार किया। कुछ रहने के लिए मेरे सास रहेगी तो हम खुद यहाँ पर रहेंगे,
पहले एक ही कमरा था, पहले एक ही में रहते थे, तो साथ यहाँ सोते थे, नीचे बिस्तर लगा कैसे सोते थे। जब मेरे को शादी में गैस भरवा लेती थी, हमारे तो इतनी स्थिति बेकार ना, प्रसाद में तो हमारे को लोगों ने राशन दिया। मैं चर्च जाती हूँ ना, मसीह क्रिश्चियन हूँ मैं, तो वहाँ से मेरे को हेल्प मिलती, वहाँ से देते थे राशन हर महीने राशन, पैसे भी देते थे कुछ 400-500 रुपये देते, तो उससे हमारा गुजारा चलता था। बहुत हेल्प करते थे चर्च से, वो बोलते थे हम घर बार बीमार, तो बेचारे वो चर्च वाले गरीब नेपाली बिहारी जैसे कई कई से लोग, कोई हिंदी आप जैसे लोग थे, वो बेचारे वो ही देते थे हमारे को राशन पानी। दो पति पत्नी बच्चे बच्चे नहीं रहते। क्या करते हैं आप, कमाते कैसे? फेरी में जाते। फेरी फेरी किस चीज़ की? ऐसे बिस्तर बिस्तर कम्बल कम्बल पूरी नहीं आ रही गई थी, और मेरा पति काम करते थे कुछ, तो गैस नहीं होता। अच्छा, नहीं चूड़ियाँ वगैरह कहाँ से आता मतलब बेचने के लिए? सुंदर सुंदर से फिर आगे उनको बेचते। लग रहे थे वो चले जाओगे लगे रहते। कौन? बहु लड़का। और कौन देता आजकल बच्चे, कौन देते? माल का है नहीं मेरे। तो आप कमाते कैसे? कैसे कमाना है कभी ऐसा मुंह तुम जो देते। काम क्या करते हो? क्या काम करना है? पेंशन आती है आपको? हाँ पेंशन तो आती है, वो आती है 3-4 महीने से आती है। फिर खाना पीना? खाना पीना ऐसे भी नहीं ले लेते किसी से। हाँ जी, हॉस्पिटल का खर्चा दिखाते हो कभी? कोई दिक्कत होती है हॉस्पिटल में? नहीं दिखाते। क्यों? ओ बस अच्छा बीपी इधर है मेरे को, दवाई को भी पैसे चाहिए। आपके बेटे वो नहीं देते आपको? एक ही लड़का चलेगा वो इधर कनौर के साथ। अच्छा, वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं? हाँ। सब पानी आता बरसात में तो बुरा हाल होगा ना, हमारा बच्चे भी भीगे, ऊपर से प्लेट डंगा आने वाला है ना, खाना भी वही परे बनाते हैं, तब इसलिए छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। आपके पति क्या करते हैं? जी वो कुबार का काम करते हैं। हाँ जी। कितने बच्चे आपके? दो बच्चे जो छोटे। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल, शादी जल्दी होगी तुमको? हाँ जी। रहते ना तो घर भी ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं राशन के लिए पैसा नहीं, किसी बात के लिए नहीं, तो इसलिए दीवार देने लगी, पानी बरसात में आ जाता है, दूर दूर पर्दे ला के तब पिए। इतने टाइम से रहते हैं यहाँ? तो काफी टाइम हो गया। काफी टाइम शादी के बाद? हाँ जी। इन लचीले समुदायों के दिल में हमने चुनौती और मानवीय भावना की असाधारण ताकत दोनों को देखा है। जैसे ही हम
मलिन बस्तियों के माध्यम से इस यात्रा का समापन करते हैं। यह वृत्तचित्र एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगा कि परिवर्तन संभव है और काम करने से साथ मिलकर हम सभी के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं।